नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भरूच के वेलफेयर हॉस्पिटल में मध्यरात्रि आग लग जाने से आईसीयू में भर्ती करीब 20 कोरोना मरीज के जलने से मौत हो गई तथा कई जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भरूच के वेलफेयर हॉस्पिटल में आग लगने की घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। साथ ही श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा एवं महानगर पालिका प्रशासन बोर्ड के सचिव राजकुमार बेनीवाल को तत्काल भरूच पहुंचकर अस्पताल के आईसीयू में लगी आग की घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार रात करीब 1 बजे भरूच के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में आईसीयू में अचानक आग लग गई। इसमें करीब 50 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 20 मरीज की मौत की खबर है तथा कईयों के जख्मी होने की आशंका जिला कलेक्टर ने व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले गुजरात में कोविड-19 की आग लगने की आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में आईसीयू में लगी आग में 8 से 10 लोग की मौत हो गई थी तथा हाल ही इसकी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी। अहमदाबाद के अलावा सूरत तथा वडोदरा में भी कोविड-19 अस्पताल में आग की घटना हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।